अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अज़फ़ा व्लॉगिंग। तो आप सब लोग कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ रोज़े में पिज़्ज़ा, चिकन पिज़्ज़ा। तो चिकन पिज़्ज़ा भी बनाऊँगी और वेज पिज़्ज़ा भी बनाऊँगी, क्योंकि मेरी सास है, मेरी सास को वेज पिज़्ज़ा पसंद है, बाकी मेरे हस्बैंड को नॉन वेज पिज़्ज़ा पसंद है। तो सोचा आज घर पे बना लूँ। इसकी फुल इंग्रेडिएंट्स आपको मेरे चैनल पे अल्सफ़ा कुकिंग रेसिपीज़ में आपको अवेलेबल मिल जाएंगी, आप वहाँ पे जाके चेक कर लीजिएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो सबसे पहले हम पिज़्ज़ा का बेस बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने मैदा ले ली हूँ और बेकिंग पाउडर, और मैं पिज़्ज़ा का बेस का खाली इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ आप लोग को। तो यहाँ पे मैंने 2 कप मैदा ली हूँ और 3 टीस्पून बेकिंग पाउडर। और ये मैंने 1 कप दही, और उसमें आप ऐड कर लीजिए 1/4 कप, यानी कि 1 कप प्लस 1/4 कप मैंने दही ऐड करी हूँ। तो ये एकदम सिंपल सा बेस है, आपको ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेंगी। एक पिज़्ज़ा बेस ऐसा भी होता है जहाँ पे ड्राई ईस्ट की ज़रूरत पड़ती है, और ये अगर आपको तुरंत बनाना है अगर पिज़्ज़ा, तो आप लोग ये वाला बेस इस्तेमाल कर सकते हैं। और गौर से देखिएगा हाँ, मैं कैसा कैसा बनाती हूँ ये वो। तो इसे एकदम है ना, एकदम स्टिकी की तरह, ज़्यादा हाथ पे चिपकना भी नहीं चाहिए और एकदम स्टिकी भी रहना चाहिए, मतलब आपके हाथ पे लगना भी नहीं मांगता कि एकदम स्टिकी मैदा है, स्टिकी आटा आपने गुने है। और ये आप जैसा, अगर आप ऐसा उसको स्ट्रेच करेंगे तो आपको एकदम स्टिकी भी रहना चाहिए। तो देखिएगा, इसमें मैंने बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करी हूँ, बिल्कुल भी नहीं। अभी मैंने पूरा अच्छे से सान ली हूँ, देखिए पूरा एकदम अभी हाथ पे लग रहा है ना। तो अब हम थोड़ा सी 1/2 कप के जितना मैदा ले लेंगे, ताकि ऊपर से हल्का हल्का से डस्ट करने के लिए बस। देखिए मैं उसको हाथ से, हाथ पे जितना भी लगा हुआ है मेरा, मैं हाथ से छुड़ाते जाऊंगी मैदा डाल डाल के। ये देखिए, तो मैदे को डाल के मैं उसको हाथ से छुड़ाते जाऊंगी और इसको बिल्कुल भी गूंदना नहीं है। जैसा आप लोग आटा गूंदते हैं, तो ये इसे उसे उस तरह से बिल्कुल भी गूंदना नहीं है, बस अच्छे से फॉर्म में बन जाए कि आपका बस स्टिक की लगना नहीं मांगता। जैसे अभी जैसे मैंने थाला ले ली हूँ, तो थाले के नीचे मेरे को बिल्कुल भी लगना नहीं मांगता और स्टिकी भी रहना चाहिए, और ना मेरे हाथ पे लगना मांगता। तो यानी कि आपका बेस फॉर्म तैयार हो गया है। तो देख सकते हैं आप लोग, मैं बिल्कुल भी गूंद रही नहीं हूँ इसको। तो इसको बस मुझे 2 मिनट लगा है पूरा अच्छे से मिक्सअप करने के लिए। और ये देख सकते हैं थाले में अब बिल्कुल भी लग रहा भी नहीं है और एकदम स्टिकी भी है। अब मैं इसको ढक के 1/2 घंटा रख दूँगी। अब तुरंत भी बना, तुरंत यानी कि 15 मिनट बाद भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर मैं पिज़्ज़ा सॉस की तैयारी कर रही हूँ। पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी भी आप लोग को दे देती हूँ, वैसे भी मेरे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। तो वो थोड़ी डिफरेंट टाइप की है और ये भी थोड़ी डिफरेंट टाइप की है। तो यहाँ पे मैंने ले ली हूँ 4 टमाटर। आप लोग पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी मेरे चैनल पे भी जाके देख सकते हैं। अब ये 4 टमाटर को मैं अच्छे से ग्राइंड करके पेस्ट बना लूँगी। तब तक कि मैं यहाँ पे पतीली में 2 से 3 चम्मच तेल डाल के उसमें 2-3 कली लहसुन
काट के डाल दूँगी। और जब वो लहसुन अच्छे से हो जाएगा तो उसके बाद में टोमेटो पेस्ट जो हमने पीस लिए थे वो इसके अंदर ऐड कर दूँगी। उसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करी हूँ, 1/4 कप के जितना। अब इसके अंदर मैं 4 टेबल स्पून टोमेटो केचप डालूँगी। ये पिज़्ज़ा सॉस के बिना तो आपका पिज़्ज़ा एकदम अधूरा है, तो पिज़्ज़ा सॉस तो ज़रूर बनाइएगा। और आजकल तो रेडीमेड अवेलेबल मिल जाता है हर स्टोर पे, तो आप लोग बाय भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने नमक डाल दी हूँ, नमक स्वाद अनुसार डालिएगा। और ये ओरिगेनो है, या 1/2 टीस्पून मैंने ओरिगेनो डाल दी हूँ। और 1/2 टीस्पून इसके अंदर मैं काली मिर्च पाउडर डाल दूँगी। तो बस अब इसको अच्छे से पकने दे दीजिएगा, जब तक ये अच्छे से सूख नहीं जाता, एकदम से ड्राई होना चाहिए। और ये मैंने 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाल दी हूँ। तो मैं इसको स्लो पे पकने के लिए छोड़ दूँगी, जब तक ये अच्छे से ड्राई हो जाना चाहिए और टमाटर भी अच्छे से भून जाना चाहिए। तब तक यहाँ पे देखिए, ये मैंने फॉइल पेपर ले ली हूँ क्योंकि मेरा ट्रे जो है वो अच्छा नहीं है, थोड़ा सी उसका कलर निकल गया था, तो मैंने इस तरह से उसको फॉइल पेपर लगा दी हूँ। और उसके ऊपर मैंने रवा, आप रवा डाल दीजिएगा, उससे आपका कैसा है ना बेस नीचे नहीं लगेगा। कितने लोग ऑयल भी डालते हैं, मगर मैं ऑयल नहीं डालती, मैं रवा डालती हूँ। अब ये मैंने बेस को अच्छे से फैला दी थी पूरे ट्रे में, और उसके ऊपर से फॉक से आप उसे इस तरह से फॉक कर लीजिएगा। और ये ऑयल मैं लगा रही हूँ, तो ऑयल ब्रश से लगा के, तो ये मैं रेक्टेंगुलर शेप में बना रही हूँ मेरे ट्रे के साइज़ के जितना। अब देखिए, ये मैं ओवन में डाल दूँगी इसको, तो इसे खाली मुझे हल्का सा बस पकने देना है। तो ये मैं 6 मिनट तक इसको बस हल्का सा, ये 220 डिग्री पे और ऊपर नीचे डबल दोनों रॉड पे रखेंगे हम। तो उसे खाली मैं प्री हीट कर रही हूँ, अभी मैं उसे पूरा नहीं पकाऊँगी, सिर्फ 6 मिनट्स के लिए मैं उसको प्री हीट कर लूँगी। और यहाँ देखिए, ये मैं दूसरा टिन ले ली हूँ, मेरे पास केक का टिन था तो मैंने वो ले ली हूँ। और बीच में और नीचे बेस पे मैंने रवा डाल दी हूँ। अब ये हाथ में थोड़ा थोड़ा मैदा लगा लगा के अब इस तरह से उसको पूरे ट्रे पे फैलाते जाइएगा हाथ से। तो ये मैंने आधे घंटे बाद, जैसे मेरा सॉस बना के हो गया था, उसके बाद मैंने ये बेस चालू कर दी थी बनाना। तो ये मैंने पूरे ट्रे पे फैला दी हूँ। आपको रोटी के डबल साइज़ के जितना रखना है पिज़्ज़ा बेस को। अब इसके ऊपर ऑयल लगा दूँगी मैं। ऑयल लगाने के बाद में इसको बस हल्का सा टैप कर लीजिएगा, उसको प्रेस मत करिएगा, सिर्फ टैप कर लीजिएगा हाथ से, इस तरह से हाथ से बस टैप कर लीजिएगा। और अब ये मैं फॉक से कर लूँगी, और इसको भी मैं प्री हीट कर लूँगी 6 मिनट के लिए। तब तक के मेरा दूसरा प्री हीट हो चुका है। तो यहाँ देखिए, ये मैंने प्री हीट कर ली हूँ, 6 मिनट बाद मैंने इसको निकाल ली थी, और जो मैंने अभी दूसरा तैयार करी थी वो मैं उसके अंदर रख दी हूँ ओवन के अंदर। अब इसके ऊपर हम तैयारी कर लेंगे। तो ये मैं सबसे पहले बटर लगा रही हूँ, बटर ज़रूर लगाइएगा पिज़्ज़ा पे, बहुत अच्छा टेस्ट आता है उससे। तो सबसे पहले मैंने बटर लगा दी, अब उसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस भी मेरा बन के तैयार हो गया था। तो ये देखिए कितना ड्राई है,
अब इसको मैं पूरा पिज्ज़े सॉस को फैला लूँगी। और ये मेरा फोर्थ व्लॉगिंग है, मेरा 3 व्लॉगिंग हो चुका है, ये मेरा फोर्थ व्लॉगिंग है। तो आप लोग मेरी रेसिपीज इंजॉय कर रहे हैं, मेरा व्लॉगिंग इंजॉय कर रहे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे साथ रोज़ा खोलने के लिए आ जाइएगा। तो ये मैं रोज़े की ही तैयारी कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने चीज़ डाल दी हूँ। आपके पास मोज़रेला चीज़ है, आपके पास नॉर्मल स्प्रेड वाला चीज़ है, आप दोनों डाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने चीज़ नीचे डाल दी हूँ, उसके ऊपर प्याज ऑनियन बारीक चॉप करी हुई वो डाल देंगे, टमाटर डाल देंगे बारीक चॉप किया हुआ, शिमला मिर्ची डाल देंगे बारीक चॉप की हुई, और पूरा अच्छे से सब जगह से स्प्रेड कर दीजिएगा। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल ऑलिव है तो आप ऑलिव डाल सकते हैं, मेरे पास ऑलिव नहीं था, आप कॉर्न भी डाल सकते हैं। अभी मैं चीज़ से ऊपर से चीज़ अच्छे से पूरा ऊपर से डाल दूंगी। और इसे ओवन में उसी तरह से रखिएगा 220 डिग्री पे, ऊपर नीचे डबल दोनों रॉड पे, और 10 मिनट के लिए। तो यहाँ पे दूसरा भी तैयार हो गया था तो उसको भी मैंने इसी तरह से कर ली थी। और ये देखिए मेरी इफ्तारी, रोज़े की तैयारी। तो आप लोग भी आइएगा मेरे साथ रोज़ा खोलने के लिए। फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।